देश में कोरोना की बेकाबू रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही। पिछले 24 घंटे के दौरान 1,68,063 नए केस सामने आए हैं, जबकि 277 लोगों की मौत हो गई। हालांकि इस दौरान 69,959 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं। इस नए केस के आने के बाद देश में कोरोना संक्रमितों के कुल मामले बढ़कर 3,58,75,790 हो गए हैं, जबकि अब तक इस महामारी के चलते 4,84,213 लोगों की जान चली गई। कोविड 19 से अब तक देश में 3,45,70,131 लोग ठीक हो चुके हैं। जैसा कि हम बता रहे हैं कि ठीक हो चुके हैं, जबकि ओमिक्रॉन के बड़े खतरे के बाद सक्रिय मरीजों की संख्या अब बढ़कर 8,21,446 हो गई है। भारत में सोमवार को कोरोना वायरस के लिए 15,79,928 सैंपल टेस्ट किए गए। कल तक कुल 69,31,55,280 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं। वहीं विधानसभा चुनाव से ठीक पहले जिला मुख्यालय रुद्रपुर में माहौल को खराब करने की कोशिश की गई। कुछ असामाजिक तत्वों की तरफ से हिंदू धर्म की भावनाओं को भड़काने की मंशा से एक खाली प्लॉट में प्रतिबंधित पशु और बछड़े को काटकर फेंक दिया गया। इससे गुस्साए गौरक्षक सेवा दल और हिंदूवादी संगठनों से जुड़े लोगों ने नारेबाजी शुरू कर दी। यही नहीं, घटना के बाद बीजेपी कांग्रेस के लोग आमने सामने भी आ गए। वहीं सूचना पर SSP समेत भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा। वहीं हिंदूवादी संगठनों ने पुलिस को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। विधायक राजकुमार ठुकराल ने कहा कि अगर 24 घंटे के अंदर पुलिस की तरफ से इस घटना का खुलासा नहीं होता है तो 25वां घंटा उनका होगा। बीती रात ये काम को अंजाम दिया है। ये घटना वास्तव में समस्त सीसी कैमरों में आ गई है और यहाँ की पुलिस को समय रहते सीसी कैमरों की स्टडी करके मुलजिम को अरेस्ट करना चाहिए। SSP साहब ने 24 घंटे का टाइम मांगा है और 24 घंटे में कार्रवाई ना हुए, गाय का कत्ल करने वाले अगर ना गिरफ्तार हुए तो हिंदू संगठन कल 11 बजे गगन ज्योति में इकट्ठे होंगे और मैं खड़ा हूँ हिंदू संगठनों के साथ। के साथ जो है PM करा दे रहे हैं। PM के बाद जो है इसका जो शासन था ये लोग करने की बात कर रहे हैं, अपने हिसाब से करेंगे, हमारा पूरा प्रबंधन रहेगा और तत्काल इसमें जो है इस मामले में अफरा दर्ज करके पूरा जो भी हमारे साथ यहाँ पर उपलब्ध हैं आपके आसपास घटना स्थल आसपास और पूरे रूट में खबर बहादुराबाद से है, जहां जिलाधिकारी की कार्रवाई के बाद मुख्य शिक्षा अधिकारी विद्याशंकर चतुर्वेदी ने मामले में अपना पक्ष रखा है। उन्होंने बताया उनकी ड्यूटी निर्वाचन के कार्य में लगी हुई है, जिसके कारण शनिवार और रविवार को भी वो निर्वाचन के कार्य में व्यस्त थे, जिसके कारण वो अपने दफ्तर में नहीं जा पाए। इतना ही नहीं, उनके संज्ञान में भी नहीं था कि दफ्तर के बाबू छुट्टी के दिन कार्यालय में हो सकते हैं। उन्हें मीडिया के जरिए ही संबंधित कार्रवाई के बारे में पता चला है। मुख्य शिक्षा अधिकारी दिव्यशंकर चतुर्वेदी ने कहा है कि उन्होंने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि रविवार के दिन उनका कार्यालय खुला हो सकता है। मुख्य शिक्षा अधिकारी ने बड़ी बेबाकी के साथ कहा कि अधिकारियों को उनका पक्ष भी सुनना चाहिए था, वो अधिकारियों के सामने अपना पक्ष रखेंगे। मुख्य शिक्षा अधिकारी ने कहा कि ना तो उनके कार्यालय में किसी की नियुक्ति होती है और ना ही किसी को समायोजित किया जाता है। उनके खिलाफ कार्रवाई कैसे और क्यों की गई ये उन्हें मालूम नहीं। देखिए, ये दौलतपुर इंटर कॉलेज एक है और वहाँ पर कुछ शिक्षकों के समायोजन का इशू था, तो कल मुझे इसकी जानकारी जैसे ही प्राप्त हुई कि कुछ बैकडेटिंग करने का प्रयास किया जा रहा, तो मैंने इसमें तत्काल अपने मुख्य विकास अधिकारी और ADM प्रशासन दोनों को वहाँ भेजा और उन्होंने जाकर वहाँ पर जो भी रिकॉर्ड्स वगैरह थे उनको सब देखे, रिकॉर्ड्स भी सीज किए और उन्होंने एक 2 पेज की एक रिपोर्ट दी। उस रिपोर्ट के बेसिस पर ये क्लियर था कि ये लोग प्रथम दृष्टया दोषी हैं, जो आ रहा है कि नियुक्ति पत्र की बात नहीं थी। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव नजदीक है और आचार संहिता भी लग गई है, ऐसे में सत्ता पक्ष और विपक्ष अब वर्चुअल लड़ाई करने में जुट गया है। वहीं दूसरी तरफ चुनावी आचार संहिता के बाद चुनावी रैलियों में लगी रोक क्या कोरोना संक्रमितों पर फुल स्टॉप लगा पाएगी, ऐसे ही तमाम सवालों को लेकर न्यूज़वर्ल्ड इंडिया की टीम जनता के बीच पहुंची और उनका पक्ष जानने की कोशिश की। इस दौरान क्या कहा आम जनता ने, इसका जवाब आप खुद सुनिए। आज हम मौजूद है उत्तराखंड की राजधानी के मशहूर पार्क गांधी पार्क में, जहां हम लोगों की राय जानेंगे क्योंकि
अब उत्तराखंड में चुनाव की डेट फिक्स हो चुकी है, 14 फरवरी को यहाँ पर उत्तराखंड में चुनाव का आयोजन होने वाला है और इसको लेकर काफ़ी सारी अनबन अभी भी लोगों में बनी हुई है। आचार संहिता लागू होने के बाद लोगों का क्या मानना है, क्योंकि अब सभी पार्टियों की लड़ाई सिर्फ ग्राउंड पर नहीं, अब डिजिटल माध्यम से होने वाली है, वर्चुअल माध्यम से होने वाली है। और ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि अब डिजिटल ये जो नया खेल होगा वो किस तरीके से खेला जाएगा, किस तरीके से सभी पार्टियाँ इस चीज़ पर अपना चुनावी हथकंडा अपनाएंगी। और इस चीज को लेकर आज हम लोगों से उनकी राय जानेंगे कि कैसे वो डिजिटल लड़ाई को देखते हैं और कैसे वो वर्चुअल माध्यम से अब पार्टियों को सपोर्ट करेंगे। इसी के साथ अब चलते हैं, लोगों से जानते हैं और ये भी जानेंगे आखिरी में कि सीएम कौन होगा, धामी जी, हरीश रावत या फिर कर्नल अजय कोठियाल, जो उत्तराखंड में तीसरे विकल्प के रूप में सामने आए हैं। तो चलिए आगे चलते हैं और जानते हैं जनता क्या सोचती है। चलिए जानते हैं अब लोगों से कि क्या है उनकी राय इस चुनाव को लेकर। 2022 विधानसभा चुनाव की डेट फिक्स हो चुकी है, उत्तराखंड में आचार संहिता भी लग चुकी है, इसके बाद अब सभी दलों की डिजिटल लड़ाई होने वाली है, इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, सब तो अपने अपने तरफ से कर ही रहे हैं, लेकिन जनता तो मूड बना चुकी है हमें क्या करना है। वो हम मूड बना चुके हैं और हम अपने दिल से जानते हैं, सब मूड बना चुके हैं, चाहे आप रैलियाँ करो या मत करो। हाँ, लेकिन होगा तो वही जो प्रभु की इच्छा होगी। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अब जो डिजिटल माध्यम से लड़ाई हो रही है, वर्चुअल माध्यम से लड़ाई हो रही है, इस चीज पर आप कैसे सहयोग देंगे और आपको क्या लगता है कि कैसे सभी पार्टियां अपना प्रभाव बना पाएंगी आप पर? वैसे ही जो ऑनलाइन होता है, जैसे भी जो कर रहे हैं और होनी भी चाहिए, जो आचार संहिता लगी है, जो कोरोना वरोना के जो भी ये चल रहा है, आजकल का मौसम चल रहा है, ऐसे में ये होना चाहिए और मेरे समझ से ये बिल्कुल सही तरीका है और ऐसे ही होना चाहिए। तो जिस तरीके से चुनावी रैलियां बंद हो चुकी हैं अब आचार संहिता के बाद, तो इसके बाद क्या लगता है आपको, कोरोना संक्रमण में रुकावट आएगी, थाम लगेगी? नहीं, हाँ लगनी चाहिए मैम, लगनी चाहिए और सोच भी रहा हूँ और लगेगी मैम। जब रैलियां नहीं होगी, जब पब्लिक इकट्ठा नहीं होगा तो जो है वो लगेगी सर। यही सवाल मैं आपसे भी करना चाहूंगी कि चुनावी रैलियां अब बंद हो चुकी हैं कहीं ना कहीं, और इस चीज को लेकर आप क्या नजरिया रखते हैं कि अब कोरोना में रोकथाम लगेगी या फिर उत्तराखंड में संक्रमण का खतरा बढ़ेगा? नहीं नहीं, रैलियां रुकने से तो ऑब्वियसली है कि वो रोकथाम लगेगी, बट जो आप जो ये कह रहे हैं कि जो ये डिजिटल मीडियम से जो हो रहा है वो तो ऑलरेडी हो ही रहा है, पहले से भी हम लोग सारे के सारे इसी पर लड़ रहे हैं, पहले से ही हमारे जो सरकार है, ऑलरेडी सरकार है, वो सब डिजिटलाइज ही प्रचार प्रसार हो रहा है, डिजिटली ही सारे कमेंट्स आ रहे हैं, डिजिटली किसी को भड़काया जा रहा है, डिजिटली सब कुछ हो रहा है। तो एक माध्यम पहले से ही चल ही रहा था, उसको अब यह होने से अब उसी पर होगी लड़ाई, क्या दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत? अब इनसे जानते हैं कि वर्चुअल लड़ाई को आप इस वक्त किस नज़रिए से देखते हैं? एक्चुअली मैं देखो उत्तराखंड में रह रहे हैं हम इतने साल से, अब जैसे हम सीएम कहते हैं कि मतलब मैं जॉब के रिगार्डिंग बात कर सकता हूँ, जो मैं जानता हूँ सर, कमेंट तो मैम सभी करते हैं हर साल कि हम ये जॉब लाएंगे, गवर्नमेंट लाएंगे, ऐसे रिगार्डिंग करेंगे, बच्चों को प्लेसमेंट होता ही नहीं है। ठीक है, मैं कोई बीजेपी से इंटरेस्ट नहीं, आई एम नॉट इंटरेस्ट पार्टीज कोई भी, तो मेरा तो ये है कि देखो आप कमेंट करो तो ऐसा करो कि सबको कुछ ना कुछ मिले। अब मैं हिमाचल जॉब करता था, वहाँ की गवर्नमेंट हमसे कम से कम नहीं आजकल 20 साल आगे है, वो भी एक हिल एरिया है, हिल स्टेट है। ठीक है, उन वो क्या करते हैं सर, अगर गवर्नमेंट नहीं तो प्राइवेट तो दे रहे हैं ना बच्चे को, यहाँ कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट नहीं है, कुछ ऐसी चीज़ें नहीं हैं, हम लोग क्या करते हैं सब प्लान करते हैं, दिल्ली चले गए, कहीं और स्टेट में चले गए, ऐसा क्यों होता है? पर मेरा क्वेश्चन ये है, वोट तो हम सभी डालेंगे, हर बार ही डाल देते हैं, बट ये है कि मैं जानता हूँ कि अगर आप पहले यहाँ के बच्चों को कुछ करके दीजिए, मेरा सबसे बड़ा तो इशू यही है, किसी भी सरकार से जो भी आती है अपना एक ही मुद्दा दिखाती है कि मैं रोज़गार दूंगी, पर रोज़गार नहीं मिलता है सबसे बड़ा। आप तो अभी स्टेट में यहाँ कैपिटल में बैठे हैं, आप पहाड़ में जाओ ना, पहाड़ में जाओ, वहाँ पता लगता है असली हाल क्या होता है लोगों के साथ। आज जो हम पहाड़ के लोग होते हैं हमें पता है कि हमारे साथ क्या मिल रहा है, हमें क्या नहीं मिल रहा लाइफ में। तो चलिए अब और लोगों से भी जानते हैं कि किस तरीके का माहौल अभी इस वक्त बना हुआ है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि 2022 विधानसभा चुनाव जिस तरीके से नजदीक है और आचार संहिता लागू हो चुकी है और इसके बाद जो है सभी चुनावी रैलियों में रोकथाम लग चुकी है, इसके बाद आप क्या कहेंगे कि क्योंकि अब लड़ाई जो है वो डिजिटल हो चुकी है? मैम देखा जाए तो एक तरह से अच्छा भी है, क्योंकि सेम जैसा माहौल चल रहा है कोरोना का और जो नए नए वायरस आ रहे हैं जिससे सब जो सबके लिए फाटल है, और कुछ लोग अभी भी 2 साल का लॉकडाउन होने के बावजूद भी वो उस बीमारी की किसी को सीरियसली नहीं ले रहे हैं, तो बेटर है। और सबसे अच्छा मुझे ये बात लगी है, मतलब मैं कहूँगी
जैसे रैलियां होती थी, भीड़ आती है तो लोगों को ना आप जैसे जो निचले तबके के लोग हैं उनको आप लालच दे के रैलियों में भीड़ इकट्ठी करते थे, वो इस बार शायद नहीं हो पाएगा। तो लोगों को एक मतलब जैसे कहते हैं अपने माइंड से सोचेंगे कि हाँ किसने क्या किया, ना कि किसी प्रलोभन में आके। यही सवाल मैं आपसे भी करना चाहूँगी क्योंकि अब डिजिटल लड़ाई चालू हो चुकी है, इस तरीके इस चीज़ को आप किस नज़रिए से देखती हैं? ये बहुत बढ़िया है, अब वर्चुअल मीटिंग होगी, सभी तो वर्चुअल मीटिंग अटेंड नहीं कर सकते। हाँ कुछ नेता लोग जाके डोर टू डोर, अब जूते घिसो ना, अपनी टांगे चलाओ ना 11 नंबर की बस पे, जो घर में बैठ के आराम से रैलियाँ करवाते थे, इकट्ठे करके ले आते थे, भाई चलो हम चलो भीड़ इकट्ठी करो, सॉरी वो नहीं हो सकेगा ना, डोर टू डोर जाओ तुम्हें प्रॉब्लम पता लगेगी। जैसे कि हमने लोगों से बातचीत की और ये जानने की कोशिश करी कि डिजिटल माध्यम से जो जंग छिड़ चुकी है, जो हड़कंप मच चुका है इस वक्त सियासी हवाओं में, उसको जो नज़रिया है वो किस तरीके से होगा, इस चीज़ पर लोगों ने अपनी राय रखी है कि पहले भी डिजिटल होना चाहिए था और अब भी डिजिटल ही चले तो बेहतर होगा क्योंकि कोरोना महामारी अपने पैर उत्तराखंड में लगभग पसार चुकी है और लगातार बढ़ते संक्रमण के बीच जो इस वक्त माहौल बना हुआ है वो कहीं ना कहीं खतरे से भरा है, इसलिए आचार संहिता कहीं ना कहीं एक तरह से सही और सभी चीज़ डिजिटल हो जाएगी तो वो काफी ज्यादा अच्छा होगा। और इसके बाद सीएम के चेहरा जो होगा उस पर भी बड़ा सवाल खड़ा हुआ है कि कई लोगों का मानना है कि सीएम के चेहरे में धामी जी जो अभी सबसे आगे रेस में नजर आ रहे हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं हरीश रावत के भी चांसेस हैं। पर लेकिन कर्नल अजय कोठियाल जो उत्तराखंड में तीसरे विकल्प के रूप में सामने आए हैं, उनको भी लोगों ने मद्देनजर रखा है और ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि इस बार धामी या फिर हरीश रावत और या फिर कर्नल अजय कोठियाल कौन होगा इन तीनों में से सीएम का चेहरा या फिर कोई चौथा। इस चीज़ के लिए और भी आगे आज बातचीत करेंगे और भी लोगों से हमने जानेंगे और भी आगे सारी कई सारी बातें होंगी, तब तक के लिए बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ, नमस्कार। भाद्राबाद के सिडकुल थाना क्षेत्र में गाड़ी पार्क करने को लेकर दो समुदाय के लोग आपस में भिड़ गए। बता दें कि शोक सभा में आए लोगों की गाड़ी पार्किंग को लेकर मामूली उसके बाद कहां सुनी हो गई, विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों समुदायों के लोगों में लाठी डंडे भी चले। वहीं इस दौरान 8 से 10 लोग घायल भी हुए हैं। वहीं इसकी सूचना पुलिस को दी गई जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों को शांत कराया, इसी के साथ ही घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भी भेजा गया। नहीं देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि इंसिडेंट इतना कुछ नहीं है, दो चार व्यक्तियों के बीच में एक आपस में हल्का सा कोई आपस में बहस हुई है और लड़ाई हुई है, और बाकी उसके बाद जो लोग उसमें घायल हुए थे उनको हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया है एंड बाकी सब चीज़ें पीसफुल हैं और पुलिस प्रॉपर डिप्लॉयड है यहाँ पर और बाकी SP साहब और मेरे द्वारा विज़िट किया गया है, बाकी सामान्य स्थिति है। और लोगों में अगर कुछ कंप्लेंट है किसी चीज़ को लेके तो उसमें कल प्रॉपरली बैठक करके चीज़ों को रिजॉल्व किया जाएगा। यहाँ पे मारपीट की सूचना आई थी, मौके पे तत्काल फोर्स भी आई और आसपास से PSC भी और आसपास के थानों की फोर्स को यहाँ पे बुला लिया गया था। अभी माहौल शांत है और तहरीर आते ही इसमें मुकदमा भी लिख के आगे की कार्रवाई करेंगे, बाकी लोगों को जो भी घायल थे उनको हॉस्पिटल एडमिट करा दिया गया। कितने लोग घायल हैं? अभी तक 4 लोगों के घायल होने की सूचना मिल रही है। किसी की क्रिटिकल हालत नहीं, अभी मैं डॉक्टर साहब से बात करके आ रहा हूँ, सभी लोग ठीक हैं और इनसे तहरीर लिखने के लिए बोले हैं, तहरीर लिख के ला रहे हैं। उत्तर प्रदेश में चोरों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। ताजा मामला गाजियाबाद के मसूरी में 4 दुकानों का है जहां पर चोरों ने 36 घंटों में 4 दुकानों के ताले तोड़कर लाखों के कीमती सामान को चोरी कर लिया। वहीं चोरी की यह पूरी घटना दुकान में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई। फिलहाल पुलिस चोरों की तलाश में जुटी है। खबर सितारगंज से। राज्य में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड में आ गया है, जिसके चलते सितारगंज पुलिस की तरफ से उत्तराखंड उत्तर प्रदेश की सीमाओं पर उत्तराखंड में बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों की गहनता से जांच पड़ताल की जा रही है। बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों को कोरोना वैक्सीन की डोज लगे होने के बाद ही उत्तराखंड में प्रवेश करने दिया जा रहा है और कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन कराया जा रहा है। सरकार की नई जो गाइडलाइन जारी हुई है उसके अनुसार बॉर्डरों से जो भी अंतर्राज्यीय वाहन हमारे उत्तराखंड में प्रवेश कर रहे हैं उनके लगातार सघन चेकिंग की जा रही है और जिसके द्वारा कोविड नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है या वैक्सीनेशन नहीं किया गया है उसको वापस किया जा रहा है
और अन्य जिसके द्वारा वैक्सीनेशन किया गया है और कोविड कोविड गाइडलाइंस का पालन किया जा रहा है उसको प्रवेश दिया जा रहा है। थराली थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पर पुलिस ने एक व्यक्ति को चरस के साथ गिरफ्तार कर लिया है। नवनियुक्त पुलिस अधीक्षक श्वेता चौबे की तरफ से जिले में नशे के अवैध प्रचलन पर लगातार सख्ती बरती जा रही है। पुलिस अधीक्षक युवा पीढ़ी में लगातार बढ़ते नशे के प्रचलन को लेकर काफी चिंतित हैं, जिसके चलते उनकी तरफ से लगातार अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं ताकि नशे के कारोबार पर लगाम लगाई जा सके। वहीं श्रीनगर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पौड़ी यशवंत सिंह चौहान की तरफ से आने वाले विधानसभा चुनाव और नशा मुक्ति अभियान के तहत जिले में अपराधों की रोकथाम, नशा मादक पदार्थों और ड्रग्स की बढ़ती प्रवृत्ति पर प्रभावी अंकुश लगाए जाने और अवैध तरीके से नशीले पदार्थों का क्रय विक्रय करने वालों के खिलाफ चेकिंग अभियान चलाकर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है, जिसके क्रम में कोतवाली श्रीनगर के अंतर्गत खिरसू में खाखरा मार्ग जाने वाले मोड़ पर पुलिस टीम की तरफ से चलाए जा रहे चेकिंग अभियान के तहत कार में 12 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब के साथ दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं गिरफ्तार अभियुक्तों को अब जेल भेज दिया गया है। कल श्रीनगर पुलिस द्वारा खिरसू बुगाड़ी रोड पर चेकिंग की जा रही थी, तो चेकिंग के दौरान एक अल्टो कार जिसमें 12 पेटी अवैध शराब थी और दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। उनके द्वारा बताया गया कि आसपास के क्षेत्रों में इन शराब को बेचने जा रहे थे, जिनको पकड़ा गया, इनके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया और न्यायालय भेजने की कार्रवाई की जा रही है।